ने आपके मॉक टेस्ट के ऑनलाइन सेशन लिया था फर्स्ट एड मेडिज प्लेटफॉर्म ने, और यहाँ हमने एनुअली मॉक टेस्ट के जो टॉपिक्स हैं उनको उनकी लिस्ट बनाई हुई है, और एनुअली मॉक टेस्ट लेक्चर्स और एनुअली अगस्त एंड पास पेपर के लेक्चर जो है वेबसाइट पे अवेलेबल। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है वो ये वाली है, एंडोक्रिनोलॉजी जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बार बार डिस्कस हुआ है वो है आपका थायराइड, हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म। इसमें ग्रेव डिजीज जो है बहुत दफा रिपीट हुए वो हुई है। इन टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट में उनके क्वेश्चन तो आए हैं लेकिन बार बार नहीं आए, तो आज मैं आपको वो अभी मैं वो बताने वाला हूँ, बताने की कोशिश करूंगा जो बार बार आए हुए हैं। फिर आपका जो है एक्रोमगैली, ये क्वेश्चन बार बार डिस्कस हुए, ठीक है। एड्रिनल इनसफिशिएंसी और कुशिंग सिंड्रोम, एंडोक्रिनोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी जो है डायबिटीज मेलिटस, ये बार बार डिस्कस हुए। रिमेनिंग जो टॉपिक है थायराइड कैंसर, इनका एमसीक्यू आया हुआ है, इसका भी एमसीक्यू आया हुआ है, और नेल्सन सिंड्रोम, लेकिन ये जो दूसरे हैं ये बार बार पूछे हुए हैं उसने आपके मॉक टेस्ट में। फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उसने बार बार डिस्कस किया है वो है नीमोथोरेक्स। नीमोथोरेक्स इधर मुझे नजर नहीं आ रहा, नीमोथोरेक्स क्वेश्चन उसने बार बार, नीमोथोरेक्स ये उसने बार बार पूछा हुआ है। तो नीमोथोरेक्स रेस्पिरेटरी में और पल्मोनरी एम्बोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट बार बार उसने पूछा हुआ है, तो और प्लूरल एफ्यूजन और निमोनिया, डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो ये टॉपिक हैं जो उसने बार बार पूछे हैं। और सार्केडोसिस और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये क्वेश्चन उसने बार बार पूछे हुए हैं। और कोविड का भी एमसीक्यू आया हुआ है जिसमें उसने कहा है कि उसका टेस्ट और स्मेल जो है वो लॉस हो जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार पूछे हुए हैं। बाकी जो उसके बाद उसने पूछे हैं वो लंग कैंसर है, एस्थमा, सीओपीडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन उसके मॉक टेस्ट में जो डिस्कस हुए ये हुए हैं। ARDS का भी एमसीक्यू है, ये निमोनिया, ये बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं आपके जो येलो वाले, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, सार्केडोसिस और निमोथोरेक्स एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एस्थमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ ये बहुत, ये बार बार आया हुआ है, सॉरी एस्थमा जो है इसका बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपके फर्स्ट लाइन मॉक टेस्ट के लिहाज से। वैसे तो जो टॉपिक हैं दूसरे भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्योंकि ये लास्ट नाइट है उसके लिहाज से मैं बता रहा हूँ आप, एस्थमा के क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि आपने सल्ब्यूटामोल देने। CVS जो है इसमें जो है वो आपका पेरिकार्डाइटिस का एमसीक्यू बार बार आया हुआ है, पेरिकार्डाइटिस, PDA, पेटेंट डॉक्टर सार्डियोसिस का मर्मर जो है, एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर जो है वो पूछा गया हुआ है, तो ये कुछ मर्मर थे जो उसने बार बार पूछे हैं। सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस एडिनोसिन होती है, वो उसने बार बार पूछा हुआ है। और MI बहुत इंपॉर्टेंट है, MI की जो वो कॉम्प्लिकेशन की जो है ना, पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या होता है, वो उसने बार बार पूछा हुआ है। और उसके बाद मर्बर तो हो, मर्बर में जो पूछे हुए हैं वो मैंने बताया है, एक PDA और एओर्टिक रीगर्ज बार बार पूछा हुआ है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर का क्वेश्चन जो है वो बार बार आया हुआ है, कार्डिक टेम्पोनेट, एओर्टिक बता दी है। बाकी हाइपर टेंशन जो है ये उसने बार बार पूछा हुआ है, उसने पूछा हुआ है कि मुख्तलिफ कंडीशन में डायबिटीज में हाइपरटेंशन हो फिर क्या देते हैं, डायबिटिक पेशेंट हो तो और हाइपरटेंसिव भी हो तो आपने ACE इनहिबिटर देने होते हैं, तो ये उसने पूछा हुआ है। और प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन में आप क्या देते हैं, एक्लेम्सिया का जो टॉपिक है वो बार बार पूछा हुआ है, एक्लेम्सिया। और एट्रियल फिब्रिलेशन की वो ECG जो है वो भी उसने बार बार पूछी हुई है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो फिर मैं बता दूं एंड पे, सबसे इंपॉर्टेंट उसने जो पूछा हुआ है वो MI है जो बार बार पूछा है, मर्मर में PDA और एओर्टिक स्टेनोसिस है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस भी पूछी हुई है, और तो ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाँ एट्रियल फिब्रिलेशन से एंडोकार्डाइटिस वाला टॉपिक, एंडोकार्डाइटिस, हाँ शाबाश, एंडोकार्डाइटिस,
जी जो कि टॉपिक है, आप देखेंगे रोमेटिक फीवर। जी रोमेटिक फीवर बार बार पूछा हुआ है, रोमेटिक फीवर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंडोकार्डाइटिस, रोमेटिक फीवर, एमआई, पेरिकार्डाइटिस और कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ये आपके सीवीएस में मोस्ट हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। ये जीआईटी में आएगा ना लाला सिराज, जीआईटी में आएगा वो। रीनल सिस्टम में जो सबसे ज्यादा रीनल स्टोन और हाइपरकैल्सीमिया, हाइपर और हाइपोपैराथायरायडिज्म, ये सबसे ज्यादा जो हैं और ये सबसे ज्यादा हुए हैं डिस्कस। और फिर आपका है नेफ्रोटिक नेफ्रिटिस सिंड्रोम और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। एबीजीज में आपने, मैंने पहले भी कहा था हमारी एसिड बेस बैलेंस वाली वीडियो सुननी सुननी है, तो एबीजीज उधर से आपने करनी है। एबीजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस बैलेंस आपसे पूछा जाएगा। और एसिड बेस बैलेंस जो है वो फेसबुक पे हमारी वीडियो है एसिड बेस बैलेंस के नेम से, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, पता नहीं आप सुनिए कि नहीं सुनिए। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है, मैं जल्दी में बस ये बता देता हूँ कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है ना, वो तीन तरह की होती है। एक ये होती है कि आप स्नीजिंग से, वो कहे स्नीजिंग से उसका यूरिन लीक होता है, तो आपने कहना है ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। दूसरा सिनेरियो आएगा कि जी उसका यूरिन लीक होता है, बैठे ही होती है और बस उसे लगता है कि मेरा यूरिन लीक हो गया, और इसे कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। एकदम ख्वाहिश आती है कि मेरा जो है वो यूरिन लीक होने लगा है, ये होती है डिट्रोजल मसल की ओवर एक्टिविटी, इसे कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। और तीसरी होती है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, अगर इधर ब्लॉकेज हो आगे तो फिर इधर से यूरिन अकुमुलेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और यहाँ से फिर लीक करेगा, तो उसमें ड्रिबलिंग होती रहेगी और कोई आगे ब्लॉकेज होगी, बीपीएच की हिस्ट्री होगी, तो ये है ओवर इनकॉन्टिनेंस। तो ये अब आपको पता ही है। बाकी हाइपरक्लीमिया, जी हाइपरक्लीमिया जो बहुत डिस्कस हुआ है, हाइपरक्लीमिया विटामिन के की, और इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, ये उसने बार बार एमसीक्यू पूछा हुआ है। और हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल कम होना, ये बहुत उसने पूछा हुआ है कि एक एचओ है, उसने ब्लड उसने डेक्सट्रोज वाटर देता गया है, जिसकी वजह से सुबह जो पेशेंट है वो कंफ्यूज हो गया, तो उसको क्या है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया को आप एकदम सही नहीं करते क्योंकि ऑस्मोटिक डिमोलिनेटिंग सिंड्रोम हो जाती है। जी जो सबसे जीआईटी में मेडिसिन और सर्जरी की जीआईटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस है ठीक है। और हर्निया, हर्निया जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनगोइनल हर्निया का पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जीआईटी जो जनरल सर्जरी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और हेमरॉइड्स, हेमरॉइड और गॉल ब्लैडर, कोलीसिस्टाइटिस, कोलीलिथियासिस और हेड ऑफ द पैंक्रियास कार्सिनोमा, जिसे कॉजियल साइन कहते हैं, हेड ऑफ पैंक्रियास कार्सिनोमा, हेड ऑफ पैंक्रियास कार्सिनोमा, एसोफेजियल कैंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, और आपका कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, गर्ड, बैरेट एसोफिगस, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गर्ड, बैरेट एसोफिगस, बैरेट एसोफिगस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बार बार उधर डिस्कस हुए हैं। तो हेमरॉइड, पैंक्रियाटाइटिस और हर्निया, ये वाले टॉपिक हैं जो जीआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, आयरन डेफिशिएंसी नहीं में आगे आएगा, तो जनरल सर्जरी में ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और हेमरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपेंडिसाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्निया डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर्निया, गॉल ब्लैडर, कोलीसिस्टाइटिस, कोलीलिथियासिस बहुत दफा रिपीट हुआ है, कोलीसिस्टाइटिस, कोलीलिथियासिस, गर्ड और बैरेट एसोफेगस और आपका हेड ऑफ द पैंक्रियाज कैंसर, एसोफेजियल कार्सिनोमा बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट एनीमिया डिस्कस हुए हैं जो बार बार, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे टॉप पे है, फिर आपका विटामिन B12 सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है। और हाँ आरटी के लिहाज से एक बात याद रखें, अगर अगर वो कहे ना कि इधर अल्सर है, यानी कि आपके लेफ्ट सेल कर्वेचर पे,
तो आप ये कहने लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से ब्लीड होगा, और अगर कहे पोस्टीरियर ड्यूडिनल वाल पे अल्सर है तो आपका गैस्ट्रो ड्यूडिनल से ब्लीड होगा, गैस्ट्रो ड्यूडिनल। और ये इम्पोर्टेंट है। आयरन डेफिशिएंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमियाज में, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजनेज। थैलेसीमिया पूछा हुआ है लेकिन इतना ज्यादा नहीं पूछा हुआ है, सिकल सेल एनीमिया भी उसने पूछा हुआ है कि एक बच्चा है कभी वो आपके पास आता है, कभी उसे चेस्ट पेन हो रही होती है, कभी उसे बोन पेन होती है, और फिर आप उसको वाटर और ऑक्सीजन देते हैं वो ठीक हो जाता है, तो उससे क्या है? तो सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये बार बार पूछे हुए हैं। बाकी जो पूछा हुआ है लेकिन इतना ज्यादा नहीं पूछा हुआ वो ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है, तो और हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है। ल्यूकेमियाज में जो बार बार पूछा हुआ है, ल्यूकेमियाज में वो आपका पूछा हुआ है, ल्यूकेमियाज में आपका बार बार जो चीज पूछी हुई है वो AML है, AML एक्यूट, और CML है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, और क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया ये उसने पूछा हुआ है, और हीमोफिलियाज, जी जी भाई हीमोफिलियाज, और जो आपकी DIC है ना, DIC, और आपके जो कैलकुलेशन फैक्टर है मतलब कि इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज लास्ट टाइम आप सुन लें जिन लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, 12, 11, 9, 8, 10 और 7, ये आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे है 7 वाला, इसमें प्रॉब्लम आए तो PET रेज करता है। अगर आपके इंट्रिंसिक पाथवे में प्रॉब्लम आए, कोई भी एक फैक्टर डेफिशिएंट हो, तो आपका PET रेज करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर प्लेलेट का प्रॉब्लम हो तो आपका ब्लीडिंग टाइम रेज करता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो जो आपका हीमोफिलियाज है, जो आपका ब्लड है, और उसके अलावा जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है वो भी आपको आनी चाहिए। तो AML, CML और आपका DIC, हीमोफिलिया ए और बी, ITP, इसकी ITP बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आपकी हीमाटोलॉजी में जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछे हुए हैं, बार बार पूछे हुए, तो मैंने जल्दी में आपको बता दिए। जो आपका ब्लड है उसमें AML, CML, हीमोफीलिया, DIC और एनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फास्फेट और आपका ITP। आज जो है वो जल्दी में मैं करवा रहा हूँ, अभी तो देखें आप सब। अच्छा उसके बाद न्यूरोलॉजी है। न्यूरोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका जो है CSF एनालिसिस, CSF एनालिसिस ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कब होता है, वो एक चार्ट था मैंने बताया था आपको, इस तरह उसे किस तरह याद करना है। मेनिनजाइटिस तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे। तो उसके बाद एपिड्यूरल सबड्यूरल हिमाटोमा, CSF एनालिसिस, एपिड्यूरल सबड्यूरल हिमाटोमा, हार्डन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेडेक की टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने जो चीजें याद करनी है ये तो नहीं छोड़नी जो अभी मैं बता दी है। उसके बाद गोलन बारे सिंड्रोम, ठीक है, निसीदिया और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज और एपिलेप्सी, ये सीजर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका है ना, हाँ, CSF एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है जी। ये आपने याद रखना है कि जब ये आपका है फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है। जब आपकी लियन हो, ये यहाँ ब्रोका एरिया होता है, और ब्रोका एरिया का लीन हो जाए तो आपको ब्रोका एफिस क्या होता है, बोल नहीं सकते, समझ सकते हैं बोल नहीं सकते, ब्रोका एरिया डैमेज हो गया, फ्रंटल लोब में होता है। टेम्पोरल में वर्निक एरिया होता है, और वर्निक एरिया में प्रॉब्लम आ जाए तो आप समझ नहीं सकते, विजडम नहीं चली जाती है, वर्निक एरिया क्या, तो वर्निक से वर्निक W विजडम चली गई, आप बोल सकते हैं लेकिन विजडम नहीं होती आप। तो ये चीजें आपने अच्छी तरह कर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो कि आपको बताया मैंने। इन्फेक्टिव डिजीजेस, ये टाइफाइड फीवर बार बार पूछा गया हुआ है, डेंगू उसने पता नहीं कितनी दफा पूछ दी है, CSF फाइंडिंग बार बार पूछी हुई है, मलेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेनिनजाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और MABSS बार बार पूछा हुआ है। इसके अलावा जो है उसने जो है
जो है आपका, इसके अलावा सेकंड पे टीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसने पूछी हुई है। अब जो चीज ये इन्फेक्टियस डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपने देखना है। टाइफाइड, डेंगी, मलेरिया, मेनिनजाइटिस, टीबी, एंडोकार्डाइटिस, एमएबीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वो जो स्कैबीज है, स्कैबीज उसने बार बार पूछी हुई है, स्कैबीज और रेबीज, रेबीज की वो जो जो है सर्किडोसिस बार बार पूछा हुआ है, लेकिन वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा हुआ है। तो स्कैबीज आपको, रेबीज आनी चाहिए, मम्स, मम्स से आपको प्रोटर ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है, मीजल्स, मीजल्स बहुत, ये बहुत दफा पूछा हुआ है, मीजल, मम्स, ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई कांट एम्फिस, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद ये, इसके बाद आप एस्केरिस है, इनसेफलाइटिस है, एस्केरिस का एमसीक्यू आया हुआ है, सिफिलिस का आया हुआ है, एड्स, गैंग्रीन और एंटीबायोटिक, वो तो काफी एंटीबायोटिक है, वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है पीएमसी, और इसके बाद है एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस की टाइप्स बहुत ही उसने पूछी हुई है, नेक्रोसिस टाइप उसने बार पूछा हुआ है, और मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, तो एपोप्टोसिस आपने देखने हैं, बाकी जो चीजें देखनी है। एपोप सर, ये एपोप्टोसिस देख लें, हाइपरप्लेजिया वगैरह इनकी डेफिनेशन देख लें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्रोसिस और मेटाप्लेजिया। जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री, विटामिन, हाँ एक बात, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज बहुत दफा से पूछा हुआ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज, ये कभी नहीं, आप ये छोड़ के नहीं जानी, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज। देखें जी, जो फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट है तो सही, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसका आपको पता होना चाहिए। विटामिन बायोकेमिस्ट्री में विटामिन जिसको नहीं आते वो अपना, वो उसको जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, विटामिन आपने देख के जाने, हर एक बच्चा विटामिन को जरूर देख के जाए, विटामिन से आएगा, विटामिन के बगैर। और सबसे जो इंपॉर्टेंट विटामिन है जो बार बार पूछा गया है, विटामिन B6, आयरन एजर में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और विटामिन B12, विटामिन फोलिक एसिड, और B6, B3, ये जो है आपने कभी नहीं छोड़ने, B6, B3, और फिर आपका विटामिन B12, फिर विटामिन ए की नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट होगा उसको नाइट ब्लाइंडनेस हुई होगी तो, और विटामिन डी उसकी डेफिशिएंसी आपको रिकट हो जाता है, तो डी और के, ये जो विटामिन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बाकी अगर अभी ये, क्योंकि आज आखिरी रात है और फिर सारे तो विटामिन आप अगर नहीं देख सकते, तो कम से कम विटामिन B6, विटामिन नियासिन, विटामिन और आपकी जो है विटामिन B12, ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये आपको कम से कम आपने करने, फर्स्ट स्टेप वन से रीड कर लें इनको, ये इनके बगैर आपने उधर एग्जाम का मुंह भी नहीं देखना, ठीक है, विटामिन कभी नहीं छोड़। अच्छा, उस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आपका जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं, जिसका जिस तरह की आपकी है अल्नल नर्व, मीडियन, रेडियल, एक्सिलरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और फिर लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, रिंगिंग स्कैपल हो जाता है, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, फिर आपकी है डीप प्रोनियल नर्व, डीप कॉमन प्रोनियल नर्व, हाँ ब्रेकियल प्लस इंपॉर्टेंट है, कॉमन प्रोनियल नर्व इंपॉर्टेंट है, कॉमन पेरोनियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, जिसमें आपको टेंडन बर्साइन आता है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और आपके ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस का प्रॉब्लम आता है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ये इंपॉर्टेंट है। और मस्कुलोस्केलेटल में और जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका SLE, और इंपॉर्टेंट है आपका इंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इंकलोजिंग
स्पॉन्डिलाइटिस, रोमाटाइड आर्थराइटिस और एक्चुअली रोमाटाइड आर्थराइटिस और इसके बाद है और रिकर्ट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, रिकर्ट ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी, ये बार बार पूछी हुई है जो आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, ये चीजें बार बार पूछी हुई है। तो जो नर्व्स हैं आपकी अल्नर मीडियल रेडियल और एक्सिलरी, लॉन्ग थोरेसिक नर्व से विंगल स्कैपुला हो जाता है, डीप कॉमन प्लोनर नर्व, सुपर सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, एसएलई, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रोमाटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, सेकंड टू है ऑस्टियोपोरोसिस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार डिस्कस की हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो के मॉक टेस्ट के लिहाज से मॉक टेस्ट में बार बार डिस्कस किए हुए थे। उसके बाद है सर्जरी, सर्जरी में ट्रॉमा वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि आपका एबीसी क्या है और प्री और पोस्ट ऑप, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी एक रात में अभी आप इसको क्या देखेंगे, जीसी, हाँ ग्लासोकोमा सेल को देख लीजिएगा, इसमें से एमसीक्यू बार बार आया हुआ है, और जनरल सर्जरी सारी इंपॉर्टेंट है, ये कैपलन सर्जरी के लिहाज से लिखा हुआ है कि चैप्टर वन चैप्टर टू बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्लासोकोमा स्केल, ये आपके उसके लिहाज से लिखा हुआ है कैपलन सर्जरी में जिनके पास टाइम है जी। जाहिर बिलाल जाकिर, लेकिन हाँ सर्जरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडियाट्रिक्स जी, माइलस्टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आना ही आना है, मैं अभी आपको 100% अश्योरिटी से लिख के दे रहा हूँ कि सुबह जो पेपर होगा उसमें से एमसीक्यू आया होगा। पीडियाट्रिक्स में मीजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मीजल्स से क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, एपिग्लॉटिटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका मम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज भी इंपॉर्टेंट है, और पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये तो आपने करने ही करने हैं इसमें, ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, बाकी आपने ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं वैक्सीनेशन और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। अच्छा जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोकेमिस्ट्री में एक विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपका जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है ना, लिपिड जो डिसलिपिडीमिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस और लिपिड मेटाबॉलिज्म में हाइपरलिपिडीमिया वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है गाइनियोब के लिहाज से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो गाइनियोब के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपसे पूछे हुए वो कंट्रासेप्शन, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो उसने बार बार इतना इतना पूछ दिया है कि अब आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे, और एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया और प्लेसेंटा एब्रप्शन हाँ प्लेसेंटा एब्रप्शन, देखिए जी ये सबसे गायनी ओव्स में इसके बगैर नहीं जाना, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपको पता होना चाहिए किस तरह निकालते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एबॉर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा प्लेसेंटा एब्रप्शन और प्रीविया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें फाइब्रोएडेनोमा बार बार पूछ रहा है वो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बहुत पूछा हुआ है उसने, पॉलीसिस्टिक पीसीओस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और सर्वाइकल कार्सिनोमा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उसने पूछा हुआ है आपसे बार बार, पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, वेजिनाइटिस, ये जो टॉपिक है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी उसने पूछा हुआ है, ये जो टॉपिक अभी आपके सामने लिखे हैं ये तो उसने बार बार पूछे हुए हैं ना, बाकी जो हैं वो मैं बताता हूँ कि वो कितने पूछे हुए हैं, ये जो अभी टॉपिक आपके सामने है ये उसने बार बार पूछे हुए हैं, जो दूसरे टॉपिक्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन उसने पूछा है, एंडोमेट्रियोसिस बहुत पूछा हुआ है, एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड एलियोमायोमा ये बहुत पूछा हुआ है,
फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस का फर्क देखें। एंडोमेट्रियोसिस जो एडिनोमायोसिस है ना, उसमें एंडोमेट्रियम टिश्यू वाल के अंदर चला जाता है तो यूटरस इनलार्ज और सॉफ्ट और ग्लोबुलर हो जाती है, ये है एडिनोमायोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में एक फीमेल होती है जिसे काफी दिनों से, यानी कि जब मेंसेस आना स्टार्ट होते हैं उससे पहले पेन पेन शुरू हो जाती है और पेनफुल इंटरकोर्स होता है, पेनफुल डेफिकेशन होती है और ये सब कुछ पेनफुल हो जाता है और इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी वाला क्वेश्चन भी बार बार वो भी उसने काफी पूछा हुआ है। तो दूसरे जो एमसीक्यू हैं वो हैं आपकी प्रेगनेंसी और यूटीआई, एमनोरिया, पोस्ट प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं। जी जो प्रेगनेंसी में स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, ये एमसीक्यू भी है। एंटीपार्टम हेमरेज मेनोरेजिया एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ये इंपॉर्टेंट है बस। और जो हाँ, और ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया और प्रीकॉस्पिबिलिटी, ये तो ठीक चीजें हैं लेकिन जो पहले मैंने चीजें बताई हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं पहले बता दी है। तो जो येलो में ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन वो तो किसी की इन्वेस्टिगेशन होगी ना, टॉपिक तो नहीं होगा। चले जी नेक्स्ट एमसीक्यू है। और डाउन सिंड्रोम भी मुझे याद आ गया, डाउन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम ऑफ्थेल्मोलॉजी में पाइलोनेफ्राइटिस भी पूछा, हाँ उसने यूटीआई एंड पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस। ऑफ्थेल्मोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्लाकोमा, ठीक है, और ब्लोड फ्रैक्चर पूछा हुआ उसने, तो कैटरेक्ट ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी आपको इसकी आई एनाटॉमी आनी चाहिए और जब पैपिलोडिमा होता है तो ऑप्टिक डिस्क जो होती है वो ब्लरी हो जाती है, ये पता होना चाहिए। एक पर्सन है जिसे कॉर्नियल अल्सर हो गया है और वो खेतों में काम करता है तो कोई पौधा उसकी उसकी जो ब्रांच है उसकी आई में लगी है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल केराटाइटिस होता है, ये पता होना चाहिए। बाकी ये चीज़ें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हैं। अब आपका है ई एन टी रह गया, तो ई एन टी है खत्म, ठीक है। जो ई एन टी है उसमें ओटाइटिस मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ओटाइटिस मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा हुआ है ओटाइटिस मीडिया। राइनाइटिस उसने बार बार पूछा हुआ है, एपिस्टेक्सिस उसने बार बार पूछी हुई है और इन्फेक्टेड स्पेसिस पूछा हुआ है। तो ये कुछ चीजें थी जो उसने बार बार पूछी हुई है और ऑटिज्म भी क्वेश्चन है पीड्स में, तो ये ई एन टी में। और फॉरन बॉडी फॉरन बॉडी में जब जिसको फॉरन बॉडी होती है बच्चे को यूनिलैटरल होती है, फॉल्स स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है एक साइड से, तो ये फॉरन बॉडी का डायग्नोसिस बनता है। तो ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो उसने बार बार पूछे हुए। इसके अलावा आप जो याद करने हैं वो मेस्टाइटिस है और ओरोफेरिंजियल कैंसर, लेकिन जो चीजें मैंने पहले बताई हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी ये मैंने आपको बता दिया, बाकी तो पार्टी अटेंड की है और उसके बाद आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है तो स्टेफलोकोकस ओरियस है इसका आंसर। ये बहुत दफा उसने बार बार पूछा हुआ है। लंग में नीमोथोरेक्स, टेंशन नीमोथोरेक्स बार बार पूछा हुआ है लंग में। हार्ट में रूमाटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर बार बार पूछा हुआ है और एमआई। और जीआईटी में हेमोरॉइड्स, गैस्ट्रिक अल्सर, जीआईटी तो सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, और अब मैं बता दूं कि बर्न में आपका सूडोमोनास इन्फेक्शन काज करता है। और दूसरा एक एमसीक्यू आया हुआ है कि एक पर्सन को वोमिटिंग होती है तो आपने क्या देना है, फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन, डायरिया में नॉर्मल सलाइन, ट्रॉमा हो गया तो आपने रिंगर लैक्टेट देना है। जी अच्छा मैं आप बता दूं कि